प्लान है। पहले जो हमारा वो था मतलब मंदिर प्रमाइसेस था वो टोटल ये इतना ही था, ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था, और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था, और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे, और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें हर इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ शुरू किया, तो ये हम लोगों ने एक भव्य गेट बनाया मंदिर विश्वनाथ मंदिर का। अगर दर्शनार्थी हमारे यहाँ एंटर करता है तो इस ये मेन गेट है, उसके बगल में हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाया है। ये यात्री सुविधा केंद्र की बिल्डिंग है, इसमें यह है कि आप जैसे भी धार्मिक स्थल पर गए तो आप अपना पेन मोबाइल वगैरह जमा करें, वहाँ पर अपनी चेकिंग कराएंगे, उसके बाद जो है वो आप हाथ धो लीजिए, उसके बाद आपको अगर बड़े बैगेज हैं तो बैग स्कैनर वगैरह से चेक करा लीजिए, सारी सुविधा इसमें रहेगी, और वहाँ से फिर आप होके हमारे मंदिर परिसर में आ जाएंगे। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है, इसमें चार दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं। ये परिसर जो बनाया गया है ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और जो इसका फर्श है वो मकराना का सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये टोटल जो हम लोगों ने ये पूरा तैयार किया है। इसमें ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ये हम बाद में हम लोग इस पर प्लांटेशन भी करेंगे। ये हमारा एरिया हो गया। इधर से आप ये अगर टूवर्ड्स गंगा घाट जाएंगे तो ये हमारे गंगा की तरफ से भी ये एंट्री है, यहाँ भी एक गेट बना रहे हैं आप। ये हमारी जेट्टी तैयार है, इस जेट्टी से होके आप आइए और वो करिए, नाव अपना पार्क करिए। अगर भीड़ से नहीं बचना है, जाम से बचना है, तो अब इधर से आइए, इधर घूमते हुए आप मंदिर परिसर में सीधे चले आइए और यहाँ पे आके दर्शन करिए। अब इसमें इम्यूनिटीज की बात करें तो हम लोगों ने 3 यात्री सुविधा केंद्र अलग अलग जगहों में बनाए हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र ये हो गया, एक दूसरा हमारा इस प्रवेश द्वार पर होगा, एक गंगा किनारे हम यात्री सुविधा केंद्र बना रहे हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस भी है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जलपान केंद्र है, सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, मुमुक्षु भवन है, मल्टीपर्पज हॉल है, और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। इतना हम लोगों ने वो पूरा बनाया है। उसके बाद वैदिक केंद्र, सबके अलग अलग उपयोग हैं। वैदिक केंद्र, योग साधना करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम दोनों का पर्पज एक ही है, बेसिकली दोनों एक संग्रहालय है हमारे, अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं। स्पिरिचुअल बुक स्टोर, धार्मिक किताबों का एक स्टोर है जहाँ पे आप मतलब धर्म कर्म की किताबें आप खरीद सकते हैं। जलपान केंद्र इसलिए कि आदमी जब दूर से दर्शन वर्शन करके आता है तो फिर सोचता है कुछ खान पान की भी सुविधा रहे, ये है। कैफे बिल्डिंग है, यहाँ गंगा व्यू गैलरी है, यहाँ बैठेंगे तो आप गंगा का नजारा दिखेगा और वो पूरा जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोरियम है, इम्पोरियम हमारा बेसमेंट प्लस टू है। ये बेसमेंट में हमने यूटिलिटी सिस्टम की, भाई कोई अगर आया तो उसको जो है अगर उसको फ्रेश होना है या उसको कहीं हाथ पैर धोने तो कर सकता है। उसके बाद इसमें एम्पोरियम हम लोग दे रहे हैं, GI प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े शोरूम बनाने की हमारी जो तैयारी है कि अगर आदमी आए तो ODOP और ये सब योजनाओं से का लाभ ले सकता है यहाँ पे। तो ये सारी सुविधा हमारी इसमें है, और इस परिसर में ये हमारे परिसर का सबसे बड़ा पार्ट है जो 72 मीटर बाई 72 मीटर का है। इसमें हम लोग भीड़ क्राउड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, कभी अगर भीड़ लगी तो हम उसमें रोक सकते हैं लोगों को। होता क्या, इस परियोजना के बनाने का मेन जो उद्देश्य था, सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं, उस दौरान पूरा शहर पैक हो जाता है, गलियां पैक हो जाती हैं, और लोगों को दूरी भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तब वो मंदिर पहुंच पाते हैं। अब क्या होगा, गंगा स्नान करिए और सीधे हमारे कॉरिडोर में आइए और बाबा को जलाभिषेक करिए और शहर में निकल जाइए। तो ये सारी सुविधा जो है इस प्रांगण में उपलब्ध कराई गई है। अब बाकी अगर आप लोगों को एक बार में इस प्रांगण में कितने लोग लगभग आ जाते हैं, अगर मान लीजिए सीजन हो, श्रद्धालु आते हो, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? इस केवल प्रांगण में कम से कम 10,000 लोग एट ए टाइम आ जाएंगे।